और दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अब हार के लिए ईवीएम को कोसने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आपके पक्ष में तो आए हैं, आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष बहुत हतोत्साहित और ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की ईवीएम को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। देखिए, आखिर वही हुआ जो हम लोगों ने कहा था कि ये मोदी जी को गाली देते देते ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को गाली देने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने हार स्वीकार कर ली है। जब एग्जिट पोल के नतीजे नहीं आए थे उससे पहले ही राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को गाली देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था। जो वोटर बूथ पर जा रहा था पूरे देश में, चाहे वो किसी राज्य का हो या किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसने कहा सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एग्जिट पोल के नतीजे हमने देखे, न्यूज़ 18 पर भी जो नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं वो पहले से भी प्रमाणित रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि एग्जिट पोल से भी ज़्यादा हम सीटें लाएंगे, क्योंकि हम अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और अपने सहयोगी के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश। ममता बनर्जी का कहना, उन्होंने ट्वीट किया, उनका कहना है कि ये महज गॉसिप है एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल के नतीजे को उन्होंने इस आशंका जाहिर की है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाएगा। देखिए, ममता दीदी इसी तरह बोलती रहती हैं, उनको एग्जिट पोल के नतीजे गॉसिप लगते हैं, पूरे देश को उनके नारे और उनका काम और उनकी पार्टी गॉसिप लगती है। माँ माटी मानुस की जगह बम बारूद गोली बूथ लूटना, ये बदल गया। एग्जिट पोल के नतीजों पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। आरजेडी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत होंगे ये तो आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन कितने आपके पक्ष में आएंगे, ये आप लोग का क्या अनुमान है? अब 23 मई को वास्तविक नतीजे आएंगे। एक बात स्पष्ट है, एग्जिट पोल में लोगों ने बड़े पैसे लगाए हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग सिरमौर हैं, मोदी जी की पूरी सरकार इन्होंने ये लोगों ने चलाई है। अब अगर वो 3 दिन तक उन्होंने पूंजी निवेश किया है तो हम उनको मुगालते में रहने देने के पक्ष में। कोई अगर पैसा लगाया है तो वो धड़धड़ा के गिर जाए 3 दिन के अंदर, हम वो वैसा नहीं करना चाहते। हम ये मानते हैं कि अवाम ने एक संदेश दिया, वो संदेश ईवीएम में बंद है। ज़मीन पे जो हालात हमने देखे हैं उसके बावजूद अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आते हैं स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं मोदी जी की विदाई तय है। ये 3 दिन, मुझे रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए, मोदी जी के चेहरे की हताशा, उनकी भाव भंगिमा और तमाम नौटंकी जो हुई केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, जो सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, चुनाव आयोग का तकिया लेके बैठ सो गया, उसके बरक्स मुझे स्पष्ट है अवाम जीत रही है, हम जीत रहे हैं, संघ का विधान हार रहा है, संविधान जीत रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया है। पुनिया साहब, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके बाद आपने भी सवाल उठाए, कई लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या डर आप लोगों का? देखिए, जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, तो उससे पहले ही बाजार में एक ये खबर थी, अफवाह थी, कि सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली लोगों ने, जितनी एजेंसियां एग्जिट पोल का कर रही हैं, उनको बुलाया है कि आंकड़े अपने लेके आओ, वो उन्होंने सबके मॉडरेट किए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक असेसमेंट में वो जो अमित शाह और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है अब की बार 300 पार, तो 300 के आसपास सबने दिखाया है, ताकि भाजपा जो कह रही है वही होगा। और ये इसी से फिर शक ये भी हुआ कि कहीं ग्राउंड रियलिटीज़ को तो मैच करता नहीं, जो ज़मीनी हकीकत है उससे ये अनुमान कहीं आसपास भी नहीं है, तो इन्होंने पहले ईवीएम को मैनिपुलेट तो नहीं कर लिया। और जो चुनाव काउंटिंग के दौरान भी ये अफवाह है कि कोई ऐसा एपरेटस इन्होंने बनाया है जिसकी वजह से वो अपने पक्ष में हर जगह काउंटिंग के
नतीजे वो बदल देंगे अपने माफिक।